माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद और सभी उपस्थित माननीयों की तरफ से स्वागत करता हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग ले रहे देश के कोने कोने से जुड़े लोगों के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी का संवाद हो रहा है। मैं सर्वप्रथम माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। कि हम जोरदार तालियां बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आज के इस अवसर पर वर्चुअल रूप से जुड़े माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र सरकार राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकारीगण और देश के कोने कोने से जुड़े बहनों भाइयों और उपस्थित सज्जनों पत्रकार मित्रों, आज हम सब विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। भर में आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आप सबका हृदय से बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि देश में आजादी के बाद अनेक प्रधानमंत्रियों ने देश का काम काज चलाया और देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पद का कामकाज संभाला है, तब लगातार उनको देश को आगे बढ़ाने का जज्बा, पारदर्शिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, गरीबों के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं कमी है। सामान्य तौर पर सरकारें योजना बनाती, योजना की घोषणा करती, लेकिन क्रियान्वयन पर जितना महत्व देना चाहिए और योजना की आवश्यकता है उसकी सीमाओं पर कभी भी ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संवेदनशीलता का ही परिचायक है कि प्रधानमंत्री जी एक और योजना की कल्पना करते हैं, योजना का सृजन करते हैं और फिर योजना का क्रियान्वयन सतप्रत हो इस बात की चिंता भी करते हैं और इस बात के लिए वो पूरा परिश्रम भी करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह कार्यक्रम सिर्फ लाभार्थियों को लाभ मिले यहीं तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री जी की सपना है कि आने वाले कल में 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील हो। ये एक बड़ा अभियान है, महत्वाकांक्षी अभियान है, व्यापक अभियान है। इस व्यापक अभियान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से एक एक नागरिक, 140 करोड़ पूरा देशवासी जुड़े, बच्चे जुड़े, बुजुर्ग जुड़े, महिलाएं जुड़े, नौजवान जुड़े, सभी वर्गों के लोग जुड़े और को आगे बढ़ाने का प्रयत्न सब मिलकर करेंगे तो भारत आने वाले कल में दुनिया में श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित हो सकेगा। और इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह प्रयत्न है और इस यात्रा को संचालित करने के लिए
लगभग 3,000 वाहन रथ के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं और ये वाहन लगभग 6,000 गांव प्रतिदिन पहुंचेंगे। नवंबर में शुरू हुई ये यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी और इस यात्रा के माध्यम से जो गरीबी उन्मूलन, देश को आगे बढ़ाने, गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं आम जनता तक पहुंचे, पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, इस बात का प्रयत्न इस यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, एक समय था जब प्रधानमंत्री देश के पिछले जिलों को छांटा, पिछले विकास खंडों को छांटा, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे उनको आकांक्षी जिला कहा, तो जिले देश के बाकी जिलों के बराबरी में आ सकें, इसका सदप्रयत्न प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। अभी ही मंत्रिपरिषद में जनमन योजना की गई, देश की आजादी के 75 साल हो गए, आदिवासियों को न्याय मिले और ऐसे आदिवासी भाई और बहन जिनकी संख्या ज्यादा नहीं है लेकिन वो इंसान है, इंसानी सुविधाएं, मौलिक सुविधाएं उन तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जनमन योजना का काम किया और उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको ध्यान है कि ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं उसको प्रतिशत धरती पर उतारने के लिए प्रयत्न करते हैं। 15 अगस्त का प्रधानमंत्री जी का भाषण सारे देशवासियों ने सुना होगा। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में तकनीकी और प्रौद्योगिकी को सरकार बढ़ावा देगी और महिलाओं को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराएंगे। ड्रोन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा, रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा और खेती के कामकाज में जब ड्रोन का उपयोग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से खेती भी उन्नत खेती की ओर अग्रसर होगी। आज दीदी इस कार्यक्रम का भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज यहाँ संपन्न किया जा रहा है और आप सब इस बात को भली बात कहते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि हम जन औषधि केंद्र जो 10,000 वहां जन औषधि केंद्र आज प्रधानमंत्री जी देवघर में लोकार्पित कर रहे हैं, उनकी संख्या को बढ़ाकर देश भर में 25,000 किया जाएगा। आज उस कार्यक्रम का भी उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, ड्रोन दीदी का जो यह कार्यक्रम है यह अपने आप में बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 90 लाख स्व सहायता समूहों से देश भर की 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं जो सरकार की सहायता से, बैंक की सहायता से लगातार अपने जीवन स्तर में बदलाव ला रही है, समाज सेवा में, गांव के विकास में योगदान कर रही है। उनकी क्षमता बढ़े, उनकी आजीविका बढ़े, उनके घर में और समृद्धि आए, उस दिशा में ये ड्रोन दीदी की जो कल्पना है यह अपने आप में अद्भुत है। यह उनकी आजीविका को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही साथ खेती के क्षेत्र को भी उन्नत करेगी। आप सबको ध्यान है अभी हम यूरिया और डीएपी का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, ये ऐसे रसायन है मानो जब किसान अपने खेत में छिड़कता है तो उसके शरीर पर भी दुष्प्रभाव आता है और खेत में छिड़कता है तो उसमें असंतुलन भी रहता है, कहीं ज्यादा गिरता है कहीं कम गिरता है और उसके नुकसान फायदे दोनों ही हैं। लेकिन जब ड्रोन का उपयोग के क्षेत्र में बढ़ जाएगा और जगह जगह पर बहनें इस काम को करेंगी तो निश्चित रूप से मानव शरीर पर इन रसायनों का पड़ने वाला दुष्प्रभाव उससे भी जा सकेगा, पेस्टिसाइड और यूरिया की बचत भी होगी और विशेष रूप से विकल्प के रूप में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी आ गए, सस्ते भी हैं, ये आत्मनिर्भर भारत को भी आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर खेती को भी आगे बढ़ाएंगे, इनका उपयोग भी निश्चित रूप से इससे किया जा सरल होगा और ये सस्ते दामों पर किसानों को उपलब्ध होंगे। जन औषधि केंद्र के बारे में आप सब जानते हैं, आम तौर पर अगर किसी दवाई को हम बाजार में लेने
तो वो दवाई अगर बाजार में पेटेंट कंपनियों की 100 रुपए में मिलती है तो जन औषधि केंद्र पर वो दवाई 50 रुपए मिलती है। कई दवाइयां तो ऐसी हैं 100 रुपए की जगह वो 10 रुपए में भी मिलती हैं। और जब से प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है तब से हजारों करोड़ रुपया जो दवाइयों में लगता था वो मानव की जेब में बचा है, और निश्चित रूप से उसके कारण वो उस पैसे को दूसरे कामों में लगाकर अपने परिवार उत्थान के पद पर बढ़ा सका है। आज जब 10,000 के स्थान पर ये 25,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे तो यह सुविधा देश को और बड़ी मिलेगी और इसका फायदा आम जनता को होगा और दवाई पर होने वाला जो खर्च है वो बड़ी मात्रा में लोगों को बच सकेगा। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया 15 किस्तों में 11 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। आज देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम यह दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जब दुनिया के लोग इस कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं तो दांत तले उंगली दबाते हैं और प्रधानमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश अब मांगने वाला देश नहीं बचा, यह देश दुनिया को देने वाला देश बन गया है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री जी की तरफ, भारत की तरफ सहायता की दृष्टि से देखता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जिनमें देश के 55 करोड़ कवर होते हैं और व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज अपना करा सकता है, उसको कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे, यह अद्भुत कार्यक्रम भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश भर में सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ड्रोन दीदी और जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के इस मौके पर सभी देशवासियों को, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को, किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं एक बार फिर हम प्रधानमंत्री जी का दोनों हाथ उठाकर के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को खूंटी झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लॉन्च किया गया था। अब तक की यात्रा के अनुभव पर आधारित आइए एक फिल्म देखते हैं। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए पिछले 9-10 सालों में मोदी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। उज्ज्वला योजना से हर घर जल तक, आवास योजना से आयुष्मान भारत तक, मोदी सरकार ने दी है सबको सुगम जीवन की गारंटी। गारंटी 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की, गरीबों को पक्के घर की, महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई की, गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन की, हर घर में नल से जल पहुंचाने की और गारंटी हर देशवासी तक विकास को पहुंचाने की। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। इसी संकल्प के साथ 100% हकदारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से की विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में वैनों के जरिए जन जन तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा रही है और लाभ से वंचित लोगों को एनरोल किया जा रहा है। 100% कवरेज के लक्ष्य के साथ शुरू की गई ये यात्रा
26 जनवरी 2024 तक देश की 2,65,000 ग्राम पंचायतों और 4,800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगी। यह यात्रा जहां जहां जा रही है वहां पारंपरिक ढंग से लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। चंदन टीके से, फूल मालाओं से, ढोल बाजों से इन वैन्स का स्वागत किया जा रहा है। देश के अन्नदाताओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़कर उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए खेतों में ड्रोन के द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी चीजों की जानकारी दी जा रही है। आइए सुनते हैं उन लोगों के अनुभवों को जिन्होंने पिछले 9 सालों में विभिन्न योजनाओं के कारण जीवन में पाया सकारात्मक परिवर्तन। हमारे गांव में जल जीवन स्कीम जो चलाया गया, बिल्कुल घर घर में पानी पहुंच गया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का। ननगे वाले इतु ननगे गैस कोट्टवरे तुम्बा उपकार इतु मोदी अवरिगे ननगे तुम्बा थैंक्स। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे क्षेत्र में कई लोगों को आवास मिला, मुझे भी आवास यह प्राप्त हुआ है। आरोग्य में गर्भिणी इद्दागिंदलू एल्ला रीतियिंद आहारवन्नु कोट्टिद्दारे मत्तु रेशन तिंगळु प्रति तिंगळु रेशन अन्नु कोट्टार मत्तु मगुविन पौष्टिकांश गुणगळु बरुवंत एल्ला चेन्नागि बेयुवंत पौष्टिकांशगळन्नु कोट्टिद्दारे मगु तिंगळु तिंगळु चेन्नागि बेयुत्ता इदे। लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और जन भागीदारी से विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दे रहे हैं। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा मात्र एक यात्रा नहीं है, ये एक संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का कि हर देशवासी देश की विकास यात्रा का मजबूत भागीदार बने। इसी संकल्प के साथ आज देश विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अग्रसर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन भागीदारी के साथ योजनाओं में सैचुरेशन प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। आइए इस पर और एक छोटी फिल्म देखते हैं। सबके सर पर हो अपनी पक्की छत, कोई गरीब न रहे भूखा, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता हो, रोजगार के नए अवसर हो, किसान खुशहाल हो, महिलाएं सशक्त हो, युवा कुशल और उद्यमी हो, यही है सही मायने में आर्थिक सामाजिक विकास और मोदी सरकार की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नया भारत अब पहुंच रहा है जन जन तक। केंद्र सरकार की योजनाओं की 100% कवरेज के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। आपके गांव में या शहर में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा आए तब आप अवश्य वहां उपस्थित रहिए और आयुष्मान भारत के कार्ड को बनवाइए। ये देश आत्मनिर्भर बने, महासत्ता बने, इसमें कोशिश में है और मैं समझता हूँ उसी लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रयोजन है। प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान को भी जन आंदोलन बनाया, अब विकसित भारत का संकल्प भी जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। जनजाति और जनजाति समाज के लिए लगातार कार्य किया है और उनके मूलभूत बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात के साथ कि उन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को सही तरीके से हम जन जन तक पहुँचाएँ। देश के मात्र 16% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था, आज ये आंकड़ा बढ़ करके 71% के आसपास पहुंचा है। देश में 10.5 करोड़ माताओं बहनों को पानी लाने के अभिशाप से मुक्ति मिली है और पूरा विश्वास है कि 2024 तक हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाकर महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव करने के साथ साथ देश के
सामान्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी एक बहुत बड़ा योगदान उसे ऊपर उठाने के लिए कर सकेंगे। लैंड रिसोर्स विभाग जमीनों का, भूमि का उनको दे रहा है, कागज दे रहा है, क्योंकि राज्य के अंदर हर राजस्व ग्राम में खाता खसरा एक से शुरू होता है। अब मैं उनको एक तरह से भूमि आधार कार्ड भी दे रहा हूँ। डे एनयूएलएम मिशन के तहत 34.2 लाख से अधिक आजीविकाएं बनाई गई हैं। मिशन ने 14.9 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमारे 9.8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन जारी किए गए हैं। इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो सके, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जागरण का अभिनव प्रयास कर रही है। पूरा भारत एक स्वर में कहता है, मोदी है तो मुमकिन है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और हम हर भारतीय को 2047 से पहले विकसित देश बनाने के लिए अपना योगदान देना है। अमृतकाल में जन भागीदारी की इस अभूतपूर्व पहल के साथ देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेजी से अग्रसर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज भारत सरकार की दो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है। आज देश में ड्रोन दीदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रिमोट का बटन दबाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरम्भ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए
केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सुनाई नहीं दे रहा। क्षमा करिए सर, 15 अगस्त को जरा आवाज आ रही है सर। सर 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में 25,000 जन औषधि केंद्र शुरू किए जाने की घोषणा की थी। आज 10,000वें केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, जो कि एम्स देवगढ़ में शुरू किया गया है। इसी के साथ ही 25,000 केंद्र शुरू करने के कार्यक्रम को भी लॉन्च किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रिमोट का बटन दबाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बीते 9.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है अभूतपूर्व सुधार और विकास। आज मोदी सरकार की गारंटी है सबके लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, और इस गारंटी पर जन जन का विश्वास है, क्योंकि 2014 के मुकाबले आज देश में एम्स की संख्या 8 से बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 660 हो गए हैं। MBBS की सीट 51,000 से बढ़कर 101,000 से अधिक और PG की सीट 31,000 से बढ़कर 65,000 से अधिक हो चुकी है। आज हर गरीब के पास 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार की गारंटी देने वाली आयुष्मान भारत योजना है। तो घर के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी देते 1,60,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। इतना ही नहीं, गरीब और मध्यम वर्ग को बीमारी में दवाई की जरूरत पड़े तो उसे उत्तम दवाई मिले, सहजता से मिले और सस्ते दर पर मिले। मोदी सरकार ने ली इसकी भी गारंटी। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। देश भर में कार्यरत करीब 10,000 जन औषधि केंद्रों पर हजारों सस्ती और अच्छी दवाएं व सर्जिकल उपकरण बाजार से बेहद कम दाम पर कम से कम 75% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। जन औषधि केंद्रों के कारण पिछले 9 वर्षों में जरूरतमंदों के जेब में करीब 23,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना ने देश के युवाओं और महिलाओं को रोजगार के साथ सेवा का भी अवसर उपलब्ध कराया है। जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए 5,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। महिलाओं, दिव्यांगजनों, SC व ST और द्वीप समूह और पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को 2,00,000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है। जन औषधि केंद्रों की इसी उपयोगिता और सफलता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आज 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण कर रहे हैं।
ये केंद्र झारखंड राज्य के देवघर में स्थित एम्स में सेवा देगा। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जो संकल्प लिया था उसके तहत आज उनके द्वारा 10,000 जन औषधि केंद्रों से बढ़कर देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने के अभियान का शुभारंभ हो रहा है। सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ आज देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेज गति से अग्रसर। देश भर में आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े 5 लाभार्थियों से संवाद करेंगे। हम सबसे पहले एम्स देवगढ़ चलते हैं, जहां जन औषधि परियोजना के केंद्र संचालक और एक लाभार्थी मौजूद हैं। नमस्कार जी। बोलिए सर। नमस्कार जी। नमस्ते सर। देवगढ़ की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बोलिए बोलिए। आवाज सुनाई दे रही है सर। देवगढ़ को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? अच्छे से सुनाई दे रही है। अच्छा बताइए कौन बात करेगा मेरे से? वहां जन औषधि केंद्र कौन चलाता है? नमस्कार मोदी जी। नमस्ते नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रुचि कुमारी है। अच्छा रुचि जी, आपकी इसमें रुचि है तो अच्छा लगा मुझे। अब ये बताइए कि आप ये जो केंद्र चला रही है उसके पहले आप अपने बारे में भी कुछ बताइए, और फिर क्योंकि आपका बड़ा यूनिक नंबर है 10,000वां, तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि जितने दिन से चला रही है आपका अनुभव क्या है? आवाज बंद हो गई रुचि। हेलो। हाँ बताइए। हेलो आवाज आ रही है? जी जी। मैं झारखंड से हूँ। मैं झारखंड के रामगढ़ जिले से हूँ और मुझे यहाँ जन औषधि को चलाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया जाए, जहाँ पर मैं जनता को 50-90% तक की दवाइयों का वितरण करने का अवसर मिलेगा, जो जन औषधि परियोजना भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आएगा। रुचि जी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने आज देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र की शुरुआत है आपके साथ हो रही है, और ये भी बाबा धाम में हुआ है। ये बताइए कि जन औषधि केंद्र खोलने का विचार आपको आया कैसे? हम लोग देखते हैं आए दिन, जब भी हम जनता को दवाई डिस्पेंस करते हैं, जैसे मैं पहले भी असिस्टेंट फार्मासिस्ट की तरह काम कर चुकी हूँ, तो हमारे यहाँ मध्यम वर्ग के लोग और गरीबी रेखा के लोग बहुत ज्यादा है, जिन्हें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही उपचार के अभाव के कारण अछूते रह जाते हैं, क्योंकि उनको इलाज तो मिल पाता है सरकारी अस्पतालों में, बट वो महंगी दवाइयों को खरीद नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ही जन औषधि परियोजना से जब वो जुड़ते हैं तो जहाँ जो दवाई मार्केट में 100 रुपए में मिलती है, वो दवाई हमारे यहाँ 10 रुपए में 50 रुपए में मिल जाती है, तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और
जो गरीब वर्ग के लोग दवाइयों के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे वो अब करवा पा रहे हैं। अच्छा, देवगढ़ और देवगढ़ के आसपास के लोगों को पता है कि रुचि दीदी आपकी इतनी बड़ी सेवा कर रही है और मोदी जी के जो सपना है उसको पूरा करने का काम रुचि जी कर रही है, सस्ते में दवाइयां, लोगों को पता है क्या? जी मोदी जी, जैसे कि ये तो आपकी परियोजना है, साथ साथ डिजिटल इंडिया भी आपकी एक परियोजना है जिसके द्वारा मैं हमेशा जिंदी रहती हूँ और सोशल मीडिया के थ्रू हैशटैग्स का यूज करके जन औषधि परियोजना को जितना बढ़ावा दे सकूं उतना बढ़ावा देती हूँ और साथ साथ आए दिन जितनी भी जनता से मैं जुड़ सकती हूँ उनको जरूर से जरूर बताने की कोशिश करती हूँ कि हमारे यहाँ 90% तक की छूट की दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा, आपके यहाँ वहाँ जिसने कभी आपकी दवाई का आपके जन औषधि केंद्र का लाभ लिया है ऐसे कोई है वहाँ जिनसे मैं बात कर सकता हूँ? जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सौदा चांद मिश्रा जी है। हाँ मिश्रा जी, बताइए। मैं बाबा धाम देवघर मंदिर के पास रहता हूँ। मैं जन औषधि का 2 साल से यहाँ शॉप खुला है तब से ही मैं जन औषधि का दवाई यूज कर रहा हूँ सर। पहले कितना खर्चा होता था, अभी कितना खर्चा होता है? अब पहले सर 12-13 हजार रुपए खर्च हो जाता था महीने में, अब जो है तो 3,000 से 3,500 के अंदर हमारी सारी दवाइयां मिल जाती। आपका पैसा बचत हुआ है तो क्या ये बात आपने और लोगों की भी बताई क्या कि इससे कितना लाभ होता है और आपको दवाइयां अच्छी मिली, बीमारी में भी साफ सुविधा हुई, तो ये सेवा का काम औरों से किया क्या आपने? जितने भी हमारे सगा संबंधी है, जितने भी मित्र कुटुंब है, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी है, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है और साथ में भी ले जाकर के दवाई खरीदवाया है। आप करते क्या है सोना जी? मैं एक पकोड़े का दुकान चलाता हूँ सर। अच्छा, आपका दुकान, आपके दुकान पर आप बोर्ड लगा सकते हैं कि भाई मेरा ये अनुभव रहा है, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप जन औषधि केंद्र में दवाई लीजिए, ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं आप? एकदम लगा सकते हैं सर। और आप लोगों को पकोड़े खिलाते हो? जी जी। तो लोग पकोड़े खा करके बीमार होते हैं कि तबीयत ठीक होती है? चलिए रुचि जी, आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। आपने जन औषधि केंद्र के अभियान को मिलकर यानी एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ाया है और लोग स्थानीय रूप से भी थोड़ी जागरूकता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, जितना लोगों को खबर पहुंचेगी अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो आप ये काम सेवा का तो है ही है लेकिन लोगों तक पहुंचाना ये भी बड़ी सेवा है। तो ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना उनसे मेरा आग्रह है कि आप जन औषधि के केंद्रों के विषय में लोगों को बताइए। अब जैसे सोना जी बता रहे थे 12-13 हजार रुपये खर्च होता था, अब 2-3 हजार में हो रहा है, मतलब उनके जेब में 10 हजार रुपये बचा है। कितने ही पकौड़े बेचते, 10 हजार नहीं बचता, लेकिन मोदी जी ने दवाई सस्ती करके 10 हजार बचा दिया। तो ये बात लोगों को बताइए आप। चलिए आगे कौन है? सर अब उड़ीसा से रायगढ़ से पूर्णचंद बेनिया जी जुड़े हुए हैं। पूर्णचंद जी नमस्ते। भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाँ बताइए, आप काम क्या करते हैं? मैं पूर्णचंद्र बेनिया, मैं खेत में किसान काम करते हैं। और परिवार में कौन कौन है?
परिवार में मेरा बीवी है, मेरा माँ है और मेरा 3 बच्चों है। अच्छा, किन किन सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सरकार योजना, पहले उजाला, पीएम उजाला और पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभ उठाते हैं। तो क्या कभी सोचा था कि सरकार इस तरह की सुविधाएं देने के लिए आपके घर तक आएगी, ऐसा कभी सोचा था? हाँ जी। नहीं सोचा था? नहीं जी। तो आपको सरकार पे भरोसा था? हाँ जी। अच्छा पूना जी, ये बताइए कि जब आपको इन योजनाओं का लाभ मिला था तो अब आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो आया जी, पहले उजाला, पहले जो हम आग से रसोई करते थे वो हमको बहुत कष्ट होता था, जंगल जाकर लकड़ी ढूंढना चाहिए और घर लाकर वो लकड़ी को आग जलाने से बहुत परेशान आता था। अभी उजाला योजना में आया, गैस सिलेंडर फ्री मिला, एक चूल्हा फ्री मिला, इसलिए हमको अच्छा होगा और आसान से थोड़ा जल्दी से काम हो रहा है। तो ये आप तो कोई खाना पकाते नहीं हो, खाना पकाते तो आपकी माताजी होगी या आपकी पत्नी होगी, आपकी बहन होगी, उनका क्या अनुभव है? उसका जो आग में जो धुआं निकलते हैं ना, उसका तबीयत को थोड़ा बाधा होता था, इसलिए तो, अभी तो घर के लोग आपको बधाई देते हैं कि आपने अच्छा काम किया, ऐसा बोलते हैं? नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं, अभी जो उजाला के तो अच्छा होती है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आता है? हाँ जी। तो मैं पूछता एक हूँ, आप जवाब दूसरा दे रहे हैं। क्या जी? आपके परिवार के लोग अच्छा हो रहा है जी, खुश हुए क्या? हाँ जी। अच्छा देखिए, आपका जीवन आसान हो गया, अब पत्नी को, माँ को, बहन को रसोई घर में थोड़ा समय बच रहा है, तो आप अपने बच्चों के विषय में भविष्य में सोचते हैं क्या? बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बच्चों को मैं आगे एक अच्छा डॉक्टर बनाने चाहता हूँ, अच्छा इंसान बनाने, अच्छा इंजीनियर बनाने चाहता हूँ। तो ये जो संकट आई है ना यात्रा आपके गांव में, जो लोग आए ना उनसे पूछिए कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना है जी। आपके बच्चों के भी जो अफसर आए ना उनसे बात करा दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि विकसित भारत की यात्रा आई है वो किस प्रकार से काम कर रही है। और पूर्णा जी, आपको मालूम है विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अब वो आपके गांव में आ चुकी है। अब देश को विकसित बनाने के लिए आप भी कोई संकल्प लीजिए। लेंगे? हाँ जी लेंगे। गांव वाले भी लेंगे? हाँ जी लेंगे। आपके सभी युवा मित्र को भी बताएंगे? हाँ जी। चलिए पूर्णा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। सर अब प्रकाशम जिले के पखाला गांव चलते हैं, जहां से श्रीमती कोमलापट्टी वेंकटा रमनम्मा जी हुई हैं। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ अम्मा बताइए। आपसे मिलकर मैं तो बहुत खुश हुई है। आप क्या करती हैं, अपने बारे में बताइए, आपको सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिला है? अब करती क्या है? नमस्कार प्रधानमंत्री जी। जी आज आपसे बात करने का ये जो सौभाग्य मुझे मिला है, इसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ और आप अनेक अनेक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। तो इस गांव में हमको बहुत अनेक अनेक आपका जो स्कीम्स मिल रहा है सर, उसमें से हमारा मेजर जो आप करते हैं वो सेल्फ ग्रुप का है सर। अच्छा, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या आपके गांव में? यस सर है।
तो आप सेल्फ हेल्प से जुड़ी हैं? जुड़ी हूँ सर। तो कब से जुड़ी हैं आप? और आपको ये ड्रोन का सीखने को मिला है क्या? तो उसका क्या अनुभव है? मिला है। मुझे बहुत अनुभव हुआ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और कोरोमंडल कंपनी वालों से आसक्ति मिली है सीखने की नई टेक्निक करते। मैं वहाँ पे गुंटूर जाके आचार्य यूनिवर्सिटी में सीखी हूँ। वो टॉल ड्रेस का ट्रेनिंग दिया गया है। कितने दिन में सीख लिया? 12 दिन। अच्छा, ये गांव में अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो लोग तो कहेंगे रावण अम्मा आप तो जादूगर हो गई है। हाँ, गांव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती हैं तो? हाँ आते हैं सर। तो फिर बच्चे भी कहते होंगे लाओ मुझे भी उड़ाने दो। और फिर कभी गिर जाएगा तो क्या करोगे? छोटा मोटा रिपेयर आने से भी कुछ करने की सीखेंगे। अच्छा, गांव में कैसा इसका उपयोग कैसा हो रहा है, क्या लग रहा है? इतने दिन से काम शुरू किया है तो क्या अनुभव क्या आता है? वाटर तो प्रॉब्लम सेव होता है और समय बचत होती है और स्प्रे करने नट से यूनिवर्सिटी में स्प्रे करने के लिए। चलिए रमन अम्मा जी, आप उन लोगों के लिए एक जवाब है जो हमारे गांव, गरीब और महिला शक्ति के सामर्थ्य पर संदेह करते हैं। जब ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई तो इस योजना को लेकर बहुत से लोगों ने संदेह जताए थे। आप जैसी बहनों ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक के दायरे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक सिंबल बनकर उभरेगा। आप सभी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में आपके जैसी महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन है? सर, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले से श्री लाकेर पालंग जुड़े हुए हैं। कहां से हैं? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल से हैं। तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी वहां खड़ी है? हाँ लाकर जी, लाकर जी नमस्कार, कैसे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। अरुणाचल में तो जय हिंद के बिना बात ही नहीं हो सकती। जी सर। अच्छा लाकर जी, बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम लाकर पालंग है। मैं जयपुर ग्राम पंचायत की निवासी हूँ सर, नामसाई डिस्ट्रिक्ट का, अरुणाचल प्रदेश सर। और मेरा बीबी घर में और 4 बच्चे, 2 बच्चे सर कॉलेज जा रहे हैं और 2 स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। और आप रहने के लिए घर है क्या? जी सर, पक्का घर है लिए सर। घर मुझे सर पक्का घर, शौचालय ऐसा घर है क्या? पानी बिजली की व्यवस्था भी है क्या? जी सर, मुझे आने दीजिए सर प्लीज। जी सर, पहले मेरा कच्चा घर था, जोगी झोपड़ी था सर, पानी उसमें टपकता था। लेकिन अभी भारत सरकार की ओर से सर मुझे 1,30,000 धन मिला और राज्य सरकार की ओर से भी सर 1,000 धन मिला। कुल मिला के सर मुझे 1,50,000 मिला और अभी सर मेरा पक्का घर बन चुका है और सर बाल बच्चा परिवारों के साथ शांति से जीवन जी रहा हूँ सर। वो सर सरकार, भारत सरकार की और राज्य सरकार की कृपा से सर। जब आपको इतनी मदद मिली है मुझे आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर, जी सर जरूर, बिल्कुल। देखिए, आप आशीर्वाद मिले देंगे तो मुझे काम करने का और मजा आएगा। जी सर।
पूरे गांव वाले आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर। अच्छा लाकर जी, मुझे बताया गया है कि आपके गांव में पहले पानी की भी दिक्कत थी, पर अब जल जीवन मिशन से नल से जल भी आना शुरू हुआ है। गांव वाले क्या कहते हैं इसके विषय में, कितना फायदा हुआ है? तो सर पहले हम लोग नदी नाला का पानी पिया करते थे सर, उसमें बच्चों का मलेरिया कभी बीमार पकड़ते थे, कभी पेट का दर्द डायरिया पकड़ते थे। लेकिन सर अभी जब नल का पानी घर घर पहुंच गया सर गांव में, अभी वो सब दूर हो गया, वो सब सर आप लोगों का सर कृपा है सर। अच्छा लाकर जी, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है उसके बारे में आपको किसी ने कुछ बताया है क्या, और क्या बताया उसके बारे में सर? उसके बारे में सर मेरा ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत ने मुझे खबर दिया बताया सर, और जिस उस पे इन लोग के बताने पर जो सर मेरा जानकारी है उसमें सर 2047 तक सर हम लोग हमारा अपना भारत को सुबह से सर मैं खुद खत्म कर लिया हूँ कि सर हमारा भारत को डेवलप करेगा सर, विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सर हम लोग कसम ऐसा। आपके गांव वालों की आत्मा क्या कहती है, देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जी सर गांव वाले कहते हैं सर देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा तो आप एक काम करेंगे, आप गांव वाले 5 टुकड़ी बनाइए, गांव वालों की 5 टुकड़ी बनाइए, और 5 टुकड़ी 5 गांवों में जाए, 5 गांवों में जाकर के बताएं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है, आपको उस कार्यक्रम में आना है, बहुत बड़ा स्वागत करना है, और देश को विकसित बनाने के लिए हम अपने गांव में कुछ न कुछ करने के लिए संकल्प करना है, ये करोगे? जी सर बिल्कुल निभाऊंगा सर, आप जैसे सजेशन दिया मैं गांव गांव में जाता। पीछे जो लोग हैं ना एक भी ताली नहीं बजाता है आपकी बात सुन करके। देखिए मेरे कहने के बाद बजा रहे हैं। जी सर चलिए लाकर जी, मुझे अच्छा लगा, वैसे भी अरुणाचल के लोगों से बात करते तो बड़े जानदार लोग होते हैं तो मजा आता है। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका उत्साह जोश अगल बगल के गांव में भी पहुंचे, और लोग ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो आ रही है ना उसके साथ जुड़ जाएं। चलिए आगे कौन है? सर आगे जम्मू से श्रीमती बलवीर कौर जी जुड़ी हैं। बलवीर जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। बलवीर जी कहां से हैं आप? सर मैं ग्राम पंचायत रेवा तहसील अरनिया डिस्ट्रिक्ट जम्मू से बात कर रही हूं जी। जी बताइए आप क्या करती हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, जरा आपके विषय में थोड़ा बताइए। जी सर, सर मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं, मैं फार्मिंग करती हूं और मेरा पूरा परिवार फार्मिंग करता है, मैं केसीसी की लाभार्थी हूं सर। बलवीर जी आपने बताया कि आप किसान है, किसानी करती हैं, पूरा परिवार किसानी करता है, आपको किसानों के लिए चल रही किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? सर मुझे अभी तक केसीसी का लाभ मिला है, फार्म मशीनरी बैंक का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। आप अपने गांव के सरपंच भी हैं? जी सर। देखिए आपके बगल में कोई एक और लीडर घुस गया अभी सबको हटा करके, तो अब सरपंच वही बन जाएगा ऐसा लग रहा है। हैं तुम्हें धक्का मार रही है नेता। अच्छा बताइए जो योजना है आपको फायदा हो रहा है, क्या क्या हुआ है जरा फिर से बताइए। जी सर हम बिल्कुल लास्ट विलेज बॉर्डर का है सर ये जम्मू का, और हमें यहाँ भरपूर फायदा हो रहा है किसानी करने का। जैसे मैं बात करूं केसीसी की, सर मैंने अप्रैल 2023 में केसीसी लिया, उस केसीसी का मैंने यूज किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए।
उस ट्रैक्टर से मैं उससे भी मुझे एग्रीकल्चर ने और फायदा दिया, फार्म मशीनरी बैंक के रूप में मुझे 2 लाख का फायदा हुआ सब्सिडी के रूप में। और वो सब्सिडी सर आज की डेट में जो मेरे पे कर्जा था ट्रैक्टर का वो, उसके चलते सर मैं किसान सम्मान निधि की भी लाभार्थी हूँ। मेरे परिवार में किसान सम्मान निधि भी मिलती है जिससे हम साल में 6,000 रुपए का भरपूर फायदा उठाते हैं जब भी हमने रबी खरीफ की फसल आती है उसी टाइम। देखिए आप तो कितने बड़े इंसान हैं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आप तो ट्रैक्टर के मालिक हो गई हैं। आपका आशीर्वाद है सर, पहले नहीं थी, ये फर्स्ट व्हीकल फर्स्ट इम्प्लीमेंट मेरे नाम पे है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आपकी मेहरबानी से, ऑनरेबल एलजी साहब की मेहरबानी से ये मुझे मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए 100% लाभार्थियों तक ये सारे लाभ पहुंचे इसके लिए आप भी कुछ जागृति का काम, लोगों से बताने का काम, अगल बगल के लोगों को जागरूक करने का काम कुछ करते हैं क्या? बिल्कुल सर, मेरे पास अगर मेरे ये मैंने फायदा लिया है, मेरे पास मेरी पंचायत में कोई 30 लोग हैं जो केसीसी के लाभार्थी हैं, मेरे पास सर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, मेरे पास किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, ये सर मेरी पूरी पंचायत जल जीवन मिशन पूरा कवर किया है, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बॉर्डर पे आपके, बहुत आपके अच्छी पंचायत है। में लोग कितने, जनसंख्या कितनी है सर? मेरे पास 2980 वोटर्स हैं, 4700 लोग हैं पूरे। आप इतना सारा याद रखती हो? सर ग्रास रूट लेवल पे आपसे ही सीखा है काम करना और काम करती हूँ, भूलती नहीं हूँ कभी भी। तो फिर मैं तो आपसे बलवीर जी कहूंगा कि आप नेता बन करके अगल बगल के 10 गांव में ये बात पहुंचाइए। जी सर। करोगी? जी सर। आप देखिए मेरा एक ही है, सरकार की योजनाएं, सरकार की योजना नेताओं की फोटो निकालने के लिए नहीं है, सरकार की योजना नेता आ जाए यहाँ विज्ञान भवन में दिया जला दे अखबार वाले छाप दे ऐसे मैं, मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए तो सारी योजना सारा पैसा आखिर तक के व्यक्ति तक, आखिर तक के गांव तक पहुँचे, और ये मुझे तब होगा कि जब आप जैसे लोगों का मुझे मदद मिलेगी। और ये जो मैं संकल्प यात्रा लेकर के निकला हूँ ना, गाँव गाँव जो ये मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है, इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि हमने जिनको मिला है उनके अनुभव जानना है, और जिनको अभी मिला नहीं है मैं 5 साल में वो काम पूरा करना चाहता हूं, और सही लोगों को ढूंढना चाहता हूं कि जिनको सचमुच में जरूरत है, और फिर मैं सरकार का बजट भी उसमें लगाना चाहता हूं, और इसलिए हिंदुस्तान के हर गाँव में ये मोदी के विकास की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है। तो ये गाड़ी का लाभ सबको मिले इसके लिए करोगी आप बलवीर जी? सर मेरे पास आपकी गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है, उसका भव्य स्वागत हम लोगों ने किया है, बॉर्डर वासियों ने, बॉर्डर पे बैठे हैं कभी झूठ नहीं बोलते, और बॉर्डर पे बैठ के दिल्ली वाला फील आ रहा है सर, पहले बहुत डर लगता था, आज की डेट में हम लोग इतने निश्चिंत हैं कि हमें लगता है जैसे आप हमारे पास बॉर्डर पे पहुंच गए, हमारे लिए भगवान धरती पे आ गए। देखिए हमारे देश में बॉर्डर वाले नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलने का स्वभाव हमारे देश के स्वभाव में है, जो कुछ गलत रास्ते पर चले गए उतने ही लोग हैं वो झूठ बोलते रहते हैं, फालतू चीजें बोलते रहते हैं, वरना हमारा सामान्य जो देश का नागरिक है वो झूठ कभी नहीं बोलने का प्रयास नहीं करता है। तो मुझे खुशी हुई कि आप सत्य बोलने के लिए इतने आग्रही हैं, और ये मोदी वाली गारंटी की जो गाड़ी है उसका आपने भव्य स्वागत, उस दिन कितने लोग थे जब गाड़ी आई? तो सर मेरे पास 250 से 300 लोग है। अगर आपके 4700 लोग है ऐसा आपने कहा, तो आपके गाँव में गाड़ी आई तो कम से कम 4000 लोग होने चाहिए थे कार्यक्रम में।
सर मैं इसका भी आपको बताना चाहूंगी, हार्वेस्टिंग का टाइम है, सोइंग का टाइम है, अभी हम लोग कनक भी बीज रहे हैं, फसल भी काट रहे हैं, तो मैं किसानों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे आधा घंटे के लिए करना था जी, दीदी ऐसे थोड़ा चलता है जी, आधे घंटे के लिए बुला, खाना खाने के लिए तो आते ही है, ऐसे थोड़ा चलता है। बिल्कुल सर, चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और आप बड़े हिम्मत से वहाँ लीडरशिप दे रही हैं, सीमा सुरक्षा भी कर रही हैं और महिलाओं को प्रेरित भी कर रही हैं। मेरी तरफ से आपको और सभी गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत सर। जय भारत। जो लाभार्थी हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हम सबका मार्गदर्शन करें। प्रधानमंत्री, इस कार्यक्रम में जुड़े अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, सभी मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, और गांव गांव से जुड़े हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, मेरे किसान भाई बहनों, और सबसे ज्यादा मेरे नौजवान साथियों, आज देश के गांव गांव में मैं देख रहा हूं कि गांव गांव से इतनी बड़ी संख्या में लाखों देशवासी, और मेरे लिए तो पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, तो आप सब मेरे परिवारजन है, आप सब मेरे परिवारजनों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है, दूर से सही लेकिन आपके दर्शन से मुझे शक्ति मिलती है। आपने समय निकाला, आप आए, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे हो रहे हैं। शुरू की तैयारी में शायद कैसे करना क्या करना उसमें कुछ उलझने रही, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो खबरें मेरे पास आ रही है और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, हजारों लोग एक एक यात्रा के साथ जुड़े हुए दिखते हैं, और इन 15 दिनों में ही लोग यात्रा में चल रहे हैं विकास रथ को, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मुझे कई लोगों ने कहा कि अब तो लोगों ने इसका नाम ही बदल दिया है। सरकार ने जब निकाला तब तो यह कहा था कि विकास रथ है, लेकिन अब लोग कहने लगे हैं रथवत नहीं है, ये तो मोदी की गारंटी की वाली गाड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के, आपका इतना भरोसा है, आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है, तो मैं भी आपको कहता हूं जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। और थोड़ी देर पहले मुझे कई लाभार्थियों से बातचीत करने का मौका मिला, मैं खुश था कि मेरे देश की माताएं बहनें मेरे नौजवान कितने उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कितना संकल्प है उनके अंदर। और अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है, करीब करीब 30 लाख लोग उसका फायदा उठा चुके हैं, उसके साथ जुड़े हैं, बातचीत की हैं, सवाल पूछे हैं, अपने नाम लिखवाए हैं, जिन चीजों की उनको जरूरत है उसका फॉर्म भर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच रही है, और जैसा अभी बलवीर जी बता रही थी कुछ जगह पे खेती का काम चल रहा है, उसके बावजूद भी खेत से छोड़ छोड़ करके लोग इस कार्यक्रम में जुड़ना, ये अपने आप में विकास के प्रति लोगों का कितना विश्वास है, विकास का महत्व क्या है, ये आज देश का गांव गांव का व्यक्ति समझने लगा है। और हर जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए, शामिल तो होता नहीं, उसका स्वागत करते हैं, शानदार तैयारियां करते हैं, गांव गांव सूचनाएं देते हैं और लोग उमड़ रहे हैं। देशवासी
आज इसे एक जन आंदोलन का रूप देकर इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मयोगी साथी हैं, कर्मचारी भाई बहन हैं, उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, जहां जहां के वीडियो मैंने देखे हैं, वो इतने प्रभावित करने वाले हैं, इतने प्रेरित करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं सब लोग अपने गांव की कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि नमो ऐप पर आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि मैं नमो ऐप पर ये सारी गतिविधि को डेली देखता हूं। जब भी यात्रा में होता हूं तो लगातार उसको देखते रहता हूं, किस गांव में, किस राज्य में कहां कैसा हुआ, कैसे कर रहे हैं। और युवा तो विकसित भारत के एक प्रकार से एम्बेसडर बन चुके हैं, उनका जबरदस्त उत्साह है। युवा लगातार इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपने काम का प्रसार कर रहे हैं, और मैंने तो देखा कुछ गांवों ने ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली थी तो दो दो दिन तक गांव में सफाई का बड़ा अभियान चलाया। क्यों? कि भाई ये तो गारंटी वाली मोदी की गाड़ी आ रही है। ये जो उत्साह, ये जो कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैंने देखा गाजे बाजे बजाने वाले, वेशभूषा नहीं पहनने वाले, ये भी जैसे घर में दिवाली है गांव में, इसी रूप में लोग काम कर रहे हैं। आज जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है, वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। अब तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया है, और जब देशवासियों ने संकल्प कर लिया है तो फिर ये देश विकसित होकर रहने ही वाला है। मैंने अभी देखा देशवासियों ने दिवाली के समय वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजें खरीदने का अभियान चलाया, लाखों करोड़ रुपया की खरीदी हुई। देखिए कितना बड़ा काम हुआ है। मेरे परिवारजनों, देश के कोने में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर इतना उत्साह अनायास नहीं है। इसका कारण है कि पिछले 10 साल उन्होंने मोदी को देखा है, मोदी के काम को देखा है, और इसके कारण भारत सरकार पर अपार विश्वास है, भारत सरकार के प्रयासों पर विश्वास है। देश के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब पहले की सरकारें खुद को जनता का माई बाप समझती थी, और इस वजह से आजादी के अनेक दशकों बाद तक देश की बहुत बड़ी आबादी मूल सुविधाओं से वंचित रही। जब तक कोई बिचौलिया नहीं मिलता है, दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते, जब तक बिचौलिए जी की जेब नहीं भरते, तब तक ये कागज भी नहीं मिलता है, न घर मिले, न शौचालय मिले, न बिजली का कनेक्शन मिले, न गैस का कनेक्शन मिले, न बीमा उतरे, न पेंशन मिले, न बैंक का खाता खुले। ये हाल था देश का। आपको जानकर के पीड़ा होगी, भारत की आधे से अधिक आबादी सरकारों से निराश हो चुकी थी, बैंक में खाता तक नहीं खुलता था, उसकी तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी। जो लोग हिम्मत जुटाकर, कुछ सिफारिश लगाकर स्थानीय सरकारी कार्यालय तक पहुंच जाते थे और थोड़ी बहुत आरती प्रसाद भी कर लेते थे, तब जाकर के वो रिश्वत देने के बाद कुछ काम उनका होना पाता था, और सरकारें भी
हर काम में अपनी राजनीति देखते थे, चुनाव नजर आता था, वोट बैंक नजर आता था और वोट बैंक के ही खेल खेलते थे। गांव में जाएंगे तो उस गांव में जाएंगे जहां से वोट मिलने वाले हैं, किसी मोहल्ले में जाएंगे तो वैसी मोहल्ले में जाएंगे, जो मोहल्ला वोट देता है दूसरे मोहल्ले को छोड़ देंगे। ये ऐसा भेदभाव, ऐसा अन्याय, ये जैसा स्वभाव बन गया था। जिस क्षेत्र में उनको वोट मिलते दिखते थे उन्हीं पर थोड़ा ध्यान दिया जाता था। और इसलिए देशवासियों को ऐसी माई बाप सरकारों की घोषणाओं पर भरोसा कम ही होता था। निराशा की स्थिति को हमारी सरकार ने बदला है। आज देश में जो सरकार है वो जनता को जनार्दन मानने वाली, ईश्वर का रूप मानने वाली सरकार है। और हम सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से ही काम करने वाले हैं लोग। और आज भी आपके साथ इसी सेवा भाव से गांव गांव जाने का मैंने ठान ली है। आज देश कुशासन की पहले वाली पराकाष्ठा को भी पीछे छोड़कर सुशासन, और सुशासन का मतलब है शत प्रतिशत लाभ मिलना चाहिए, सैचुरेशन होना चाहिए, कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहिए, जो भी हकदार है उसको मिलना चाहिए। सरकार नागरिक की जरूरतों की पहचान करे और उन्हें उसका हक दे, और यही तो स्वाभाविक न्याय है और सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है। हमारी सरकार की इसी अप्रोच की वजह से करोड़ों देशवासियों में जो पहले उपेक्षा की भावना भरी पड़ी थी, अपने आप को निग्लेक्टेड मानते थे, कौन पूछेगा, कौन सुनेगा, कौन मिलेगा, ऐसी जो मानसिकता थी वो भावना समाप्त हुई है। इतना ही नहीं, अब उसको लगता है इस देश पर मेरा भी हक है, मैं भी इसके लिए हकदार हूं और मेरे हक का कोई छीनना नहीं चाहिए, मेरे हक का रुकना नहीं चाहिए, मेरे हक का मिलना चाहिए। और वो जहां है वहां से आगे बढ़ना चाहता है। अभी जैसे मैं पूर्णा से बात कर रहा था, वो कहता था मैं बेटे बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं। ये जो आकांक्षा है ना, वही मेरे देश को विकसित बनाने वाली है। लेकिन आकांक्षा तब सफल होती है जब 10 साल में सफलता की बातें सुनते हैं। और ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके यहां आई है ना, वो आपको वो भी बताती है कि देखो यहां तक हम किए हैं। इतना बड़ा देश है, अभी भी कोई 2-4 लोग गांव में रह गए होंगे और मोदी ढूंढने आया कि कौन रह गया है, ताकि आने वाले 5 साल में वो भी काम पूरा कर दूं। इसलिए आज देश में कहीं पर भी जाने पर एक बात जरूर सुनाई देती है, और मैं मानता हूं कि देशवासियों के दिल की आवाज है। वो दिल से कह रहे हैं, अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। और इसलिए ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की भी धूम मची हुई है। साथियों, विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का या सिर्फ किसी सरकार का नहीं है, ये सबका साथ लेकर सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। ये आपके संकल्प भी पूरा करना चाहता है, ये आपकी इच्छाएं पूरी हो ऐसा वातावरण बना चाहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है जो अब तक इनसे बेचारे छूटे हुए हैं।
उनको जानकारी भी नहीं है, जानकारी है तो कैसे पाना उनका रास्ता मालूम नहीं है। आज जगह जगह से नमो ऐप पर जो तस्वीरें लोग भेज रहे हैं मैं उसे भी देखता हूं, कहीं ड्रोन का डेमोंस्ट्रेशन हो रहा है, कहीं हेल्थ चेकअप हो रही है, आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की जांच हो रही है। जिन जिन पंचायतों में यात्रा पहुंची है उन्होंने तो दिवाली मनाई है, और उनमें से अनेक ऐसी पंचायत हैं जहां सेचुरेशन आ चुका है, कोई भेदभाव नहीं, सबको मिला है। जहां जो लाभार्थी छूटे हुए हैं वहां उन्हें भी अभी जानकारी दी जा रही है, और बाद में योजना का लाभ भी मिलेगा। उज्ज्वला और आयुष्मान कार्ड जैसी अनेक योजनाओं से तो उन्हें तत्काल जोड़ा जा रहा है। जैसे पहले चरण में 40,000 से ज्यादा बहनों बेटियों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे दिया गया है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में माय भारत वॉलेंटियर्स भी रजिस्टर हो रहे हैं। आपको मालूम है हमने कुछ दिन पहले एक देशव्यापी नौजवानों का एक संगठन खड़ा किया है, सरकार की तरफ से शुरू किया है, उसका नाम है माय भारत। मेरा आग्रह है कि हर पंचायत में ज्यादा से ज्यादा नौजवान ये माय भारत अभियान से जरूर जुड़े, उस पर अपनी जानकारियां दें। और बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूंगा, और आपकी शक्ति विकसित भारत बनाने की शक्ति बन जाए, हम मिलकर के काम करेंगे। मेरे परिवारजनों, 15 नवंबर को जब ये यात्रा शुरू हुई थी, और आपको याद होगा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर शुरू हुआ था, जनजातीय गौरव दिवस था उस दिन, और मैंने झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में छोटी सी जगह से इस काम का आरंभ किया था। वरना मैं यहाँ बड़े विज्ञान भवन में या भारत मंडपम में या यशोभूमि में बड़े ठाट बाट से कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। चुनाव का मैदान छोड़ करके मैं खूंटी गया, झारखंड गया, आदिवासियों के बीच गया और इस काम को आगे बढ़ाया। और जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी तब मैंने एक और बात कही थी, मैंने कहा था कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है, और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं।
इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है, मुझे उसकी खेती में जो चीजें उत्पादित होती है उसकी मूल्य वृद्धि करनी है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये चार जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन चारों जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। और ये चारों जाति जब सशक्त होगी तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी। जब ये सशक्त होंगे तो पूरा देश सशक्त होगा। साथियों, इसी सोच पर चलते हुए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान, यानी जब ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तब दो बड़े कार्यक्रम देश ने किए हैं। एक कार्य नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी से खेती किसानी को आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, उसे सशक्त करने का काम है। और दूसरा, इस देश के हर नागरिक का, चाहे वो गरीब हो, चाहे निम्न मध्यम वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे अमीर हो, हर गरीब को दवाएं सस्ते से सस्ती मिले, उसको बीमारी में जिंदगी गुजारनी न पड़े, ये बहुत बड़ा सेवा का काम, पुण्य का काम, उससे भी जुड़ा हुआ अभियान है। मैंने लाल किले से देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी और मैंने देखा कि इतने कम समय में ये हमारी बहनों ने, गांव की बहनों ने, 10वीं कक्षा पास है, कोई 11वीं कक्षा पास है, कोई 12वीं कक्षा क्या है, और हजारों बहनों ने ड्रोन चलाना सीख लिया। खेती में कैसे इसका उपयोग करना, दवाइयाँ कैसे छिटकना, फर्टिलाइजर कैसे छिटकना सीख लिया। तो ये जो ड्रोन दीदी है ना, वो नमन करने का मन करे इतना जल्दी से वो सीख रही है। और मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कार्यक्रम है, और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। ये हमारी नमो ड्रोन दीदी जो है, ये आज लॉन्च हो रही है, ये नमो ड्रोन दीदी, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे, हर गांव ड्रोन दीदी को नमन करता रहे, ऐसा वातावरण मुझे बनाना है। इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे से कुछ लोगों ने सुझाया है, नमो ड्रोन दीदी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। आने वाले समय में 15,000 स्व सहायता समूहों को ये नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, वहां ड्रोन दिया जाएगा और गांव में वो हमारी दीदी सबके प्रणाम का, नमन का अधिकारी बन जाएगी और नमो ड्रोन दीदी हमारा आगे बढ़ेगा। हमारी बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चल रहा है वो भी ड्रोन ईजा से सशक्त होगा। इससे बहनों बेटियों को कमाई का अतिरिक्त साधन मिलेगा। और मेरा जो सपना है ना, 2 करोड़ दीदी को मुझे लखपति बनाना है। गांव में रहने वाली विमेन सेल्फ ग्रुप में काम करने वाली 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना है। देखिए, मोदी छोटा सोचता ही नहीं है, और जो सोचता है उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेके निकल पड़ता है। और मुझे पक्का विश्वास है इससे देश के किसानों को बहुत कम कीमत में
ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। इससे उनके स्वास्थ्य हेल्थ को भी लाभ होने वाला है, उनके स्वास्थ्य को भी लाभ होने वाला है, इससे समय भी बचेगा, दवा और खाद की भी बचत होगी, जो वेस्टेज जाता है वो नहीं जाएगा। साथियों, आज देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया गया और मेरे लिए खुशी है कि बाबा की भूमि से मुझे 10,000वें केंद्र के लोगों से बात करने का मौका मिला। अब आज से ये काम आगे बढ़ने वाला है। देश भर में फैले ये जन औषधि केंद्र आज गरीब हो या मिडिल क्लास को, हर किसी को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के बहुत बड़े सेंटर बन चुके हैं और देशवासी तो स्नेह से इन्हें, मैंने देखा है गांव वालों को ये नाम वाम को याद नहीं रहता है, तो गांव वाले तो कहे भाई तो मोदी की दवाई की दुकान है, मोदी की दवाई की दुकान पर जाएंगे, भले आपको जो मर्जी पड़े नाम दीजिए, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि आपके पैसे बचने चाहिए, यानी आपका बीमारी से भी बचना है और जेब में पैसे भी बचना है, दोनों काम मुझे करना है, आपको बीमारी से बचाना और आपके जेब से पैसे बचाना, इसका मतलब है मोदी की दवाई की दुकान। इन जन औषधि केंद्रों पर लगभग 2000 किस्म की दवाएं 80-90% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध है। अब बताइए, एक रुपये की चीज 10-15 पैसा 20 पैसे में मिल जाए तो कितना फायदा होगा, और जो पैसे बचेंगे ना वो आपके बच्चों के काम आएंगे। 15 अगस्त को ही मैंने देश भर में जन औषधि केंद्र, जिसको लोग मोदी की दवाई की दुकान कहते हैं, वो 25,000 खोलने का तय किया है। 25,000 तक पहुंचाना है इसको। अब इस दिशा में और तेजी से काम शुरू हुआ है। इन दोनों योजनाओं के लिए मैं पूरे देश को, विशेष रूप से मेरी माताओं बहनों को, किसानों को, परिवारों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आपको ये जानकारी देते हुए भी खुशी है कि गरीब कल्याण अन्न योजना, आप जानते हैं, कोविड में शुरू की थी और गरीबों को उनकी थाली, उनका चूल्हा, उसकी चिंता, गरीब के घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए, गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी कोविड की महामारी आई थी, हमने एक सेवा का काम शुरू किया और उसके कारण मैंने देखा है परिवारों के काफ़ी पैसे बच रहे हैं, अच्छे काम में खर्च हो रहे हैं। ये देखते हुए कल ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय कर लिया है कि अब ये जो मुफ्त राशन देने वाली योजना है उसको 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि आने वाले 5 सालों तक आपको भोजन की थाली के लिए खर्च न करना पड़े और आपका जो पैसा बचेगा ना वो जनधन अकाउंट में जमा कीजिए और उससे फिर बच्चों के भविष्य के लिए उसका उपयोग कीजिए, प्लानिंग कीजिए, पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। मोदी मुफ्त में भेजता है, लेकिन इसलिए भेजता है ताकि आपकी ताकत बढ़े। 80 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों को अब 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इससे गरीबों की जो बचत होगी उस पैसों को वे अपने बच्चों की बेहतर देखभाल में लगा सकेंगे और ये भी मोदी की गारंटी है जिसे हमने पूरा किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, इस पूरे अभियान में पूरी सरकारी मशीनरी, सरकार के कर्मचारियों की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले ग्राम स्वराज अभियान के तौर पर इस तरह के बहुत सफल कोशिश हुई थी। वो अभियान 2 चरणों में देश के लगभग 60,000 गांवों तक हमने चलाया था। सरकार अपनी 7 योजनाएं लेकर गांव-गांव गई थी, लाभार्थियों तक पहुंची थी। इसमें आकांक्षी जिलों के भी हजारों गांव शामिल थे। अब उस सफलता को सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का आधार बनाया है।
इस अभियान से जुड़े सरकार के सभी प्रतिनिधि देश सेवा का, समाज सेवा का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी से डटे हुए गांव गांव तक पहुंचते रहिए। सबके प्रयास से विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरी होगी और मुझे विश्वास है कि जब विकसित भारत की बात करते हैं तो मेरा गांव आने वाले वर्षों में कितना बदलेगा ये भी आपको तय करना है, हमारे गांव में भी इतनी प्रगति होनी चाहिए तय करना है। हम सब मिलकर के करेंगे ना, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा, दुनिया में हमारा देश काफी ऊंचा होगा। फिर एक बार मुझे आज सबसे मिलने का अवसर मिला, बीच में कभी मौका मिलेगा तो मैं दूर से आपसे जुड़ने के प्रयास करूंगा। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।